हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की एकदम सिंपल और आसान सी सब्जी जो हम रोज़ के खाने के लिए बनाते हैं उस तरह से। इसमें कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं पड़ा है, ज़्यादा तेल नहीं पड़ा है और ये सब्जी 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम पत्ता गोभी काट कर ले लिया है, उतने ही प्याज, 2-3 टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट, 1 चम्मच, थोड़े से आलू, 2 आलू को छील कर काट लिया है और जीरा आधा चम्मच और तेज़पत्ता 2-3, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी हींग और कुछ बेसिक मसाले लगेंगे। और यह सब्जी हमने सरसों के तेल में बनाई है। तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी को कुकर में डालकर थोड़ा पानी डालकर 1 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। तो पत्ता गोभी इससे जल्दी पक जाता है बॉईल कर लेने से। तो थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं इस टाइम में और प्याज और टमाटर को हमने काट लिया है। प्याज को थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है और प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इस सब्ज़ी में, तो उसी से उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आलू को भी पानी से निकाल कर रख लेंगे और उसे 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लेंगे। पूरी सब्जी हम इसी 2 टेबल स्पून ऑयल में ही बनाएंगे क्योंकि ये हमारी डेली वाली सब्जी है, तो इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। तो जो आलू फ्राई करने के बाद तेल बचेगा उसी में हम बाकी सब्जी बनाएंगे। तो पत्ता गोभी भी हमारा बॉईल हो गया है तो हम उसे ऑफ कर देते हैं गैस को। 2-3 मिनट लगेंगे आलू को फ्राई करने में, तो आप इसे ढक ढक कर फ्राई करें। इससे क्या होगा कि आलू 50% तक कुक भी हो जाएगा और पत्ता गोभी भी बॉयल की हुई है तो सब्ज़ी हमारी जल्दी बन जाएगी। बीच बीच में आलू को चलाते रहें। यह सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे सूखी बनाएंगे तो आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं और चाहे तो थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई है क्योंकि मैं रोटी के साथ आज इसे सर्व करूँगी। आलू फ्राई हो गया है तो उसे निकाल लेंगे और उसी तेल में हम मसाले भूनेंगे। पहले हम सबसे पहले इसमें जीरा और तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़ी सी हींग भी। हींग एकदम 2 चुटकी डालना है या 1/4 टीस्पून। अब इसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को थोड़ी देर भुनना है, 2-3 मिनट। प्याज में थोड़ा नमक डाल देंगे तो वो जल्दी पक जाएगा, तो थोड़ा ही नमक डाला है अभी, बाकी नमक हम बाद में डालेंगे। और थोड़ा नमक हमने पत्ता गोभी बॉईल करते टाइम भी डाला है, इसलिए बाद में जब नमक डालेंगे तो काफ़ी अंदाज से डालना होगा। प्याज को भी ढक ढक कर पकाएं क्योंकि ये मोटी मोटी कटी हुई है प्याज, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। जब प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब उसमें टमाटर डाल देंगे और साथ साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी सूखे मसाले भी डाल देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है, इसमें एक हरी मिर्च भी साथ में पीसी हुई है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो इसलिए लाल मिर्च हम इसमें काफ़ी कम डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी तीखी वाली है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एकदम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच ही जीरे का पाउडर। और नमक आप डाल लें अगर आपको जितना चाहिए उतना, अपने स्वाद के अनुसार। काली मिर्च का टेस्ट भी सब्ज़ी में अच्छा आता है, इसलिए आप इसे ऐड करें। अब सब्जी को हम मसाले को हमें ढक कर पकाना है तब तक जब तक कि टमाटर अच्छी तरह न गल जाए। और सब्ज़ी में हमने तेल कम डाला है तो ये थोड़ा चिपक सकती है कढ़ाई में, तो आप बीच बीच में चलाते रहें। और लो मीडियम फ्लेम पर ही मसाला भुने तो जलेगा नहीं। नीचे थोड़ी सी चिपक रही है लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसमें जब पत्ता गोभी डालेंगे तो पूरा पानी के साथ ही डाल देंगे, तो
तो वो सब निकल जाएगा, नीचे चिपकेगा नहीं। तो पत्ता गोभी मैंने डाल दिया है, और उसमें जितना भी पानी था पत्ता गोभी का वो साथ में ही डाल देना है, और आलू भी डाल देंगे उसके साथ ही। और फिर सब्जी को अच्छी तरह मिक्स करके ढक कर लो मीडियम फ्लेम पर आराम से पकने देंगे। 5 से 7 मिनट लगेगी इस सब्जी को पकने में, तो एक दो बार आप चेक कर लें, आपको जितनी सूखी चाहिए उतनी रखें। और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें क्रश करके डालें, कसूरी मेथी से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अच्छी तरह मिक्स करें सब्जी को और ढककर पकने दें आराम से। ऐसे ही पकते पकते इस सब्जी का पूरा पानी सूख जाएगा, तो ये सूखी सब्जी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, बहुत थोड़ी सी। दोनों तरह से ये सब्जी अच्छी लगती है, ग्रेवी वाली भी और सूखी भी। तो आप जैसा बनाना चाहें ये आपकी चॉइस है। बहुत थोड़ा ही पानी डाला है। अब सब्जी हमारी लगभग हो ही गई है, चेक कर लेंगे आलू और कैबेज अच्छी तरह गल गए हैं या नहीं। तो सब्जी हमारी कुक हो गई है, अब इसे 2 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार सब्जी तैयार है। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसे लंच या डिनर किसी भी समय बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अगर आसान लगती है और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी नहीं लगती है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। हर समय आपका वेलकम है। थैंक यू।